Hello friends, so let us continue with the RTP series, and in this lecture we'll be taking up May 2019 question on process costing. Let's see. The following information is available regarding process A for the month of February 2019. Production record units in process as on 1st of February 2019 is 4000. All the material used 25% complete for labor and overheads. इसका मतलब है ये क्या दिया हमें? ये आपको दिया है इन्होंने opening WIP for the process. ठीक? तो opening WIP के कहता 4000 units है जिसपे material 100% लग चुका है. लेकिन जो labor and overheads है वो भी सिर्फ 25% ही लगे हैं. 75% लगेंगे अगले period में. Next, उसने कहा new units introduced 16,000, units completed 14,000. Units in process as on 28th of February 2019 is 6000. All material used 1/3 complete for labor and overhead. 33 1/3% मतलब 1/3. Cost records. Cost कितनी कितनी है? वो कहता है work in progress की जो cost है that is material 6 lakh labor overheads. ये क्या दे रखा है? ये उसने दे रखा है opening WIP की. कि जो ओपनिंग WIP थी उसकी कॉस्ट क्या थी, मटेरियल कितना हो रखा था, लेबर कितना और ओवरहेड्स कितने हो रखे थे. कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल 25,60,000, लेबर 15 लाख एंड ओवरहेड 15 लाख. प्रिज्यूमिंग दैट एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री इज यूज्ड, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. एवरेज मेथड से क्या मतलब है? इसमें हम लोग यूज करते हैं वेटेड एवरेज मेथड. ठीक, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मांग ली उसने. स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट. ईच एलिमेंट का मतलब मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. देन स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट. अपोर्शनमेंट मतलब एफजी की कितनी है और जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है उसकी वैल्यू कितनी है. फिर उसने कहा प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट फॉर प्रोसेस है. फिर कहता प्रोसेस अकाउंट भी बना दो. हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था मिसलेनियस सीरीज में, कुछ ऐसा सिमिलर क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का हम लोगों ने कर रखा है. ठीक है, चलो अब क्या है हमारे पास? ओपनिंग WIP है, उसके बाद न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है 16,000. टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 20,000 हो गए. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यूनिट्स इनपुट 20,000 उसने टोटल ले लिए. ठीक है, कंप्लीटेड कितने हैं? 14,000, जिसके ऊपर 100% काम हो चुका है. ठीक, चाहे इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो अगर अलग अलग लिखना हो कि ओपनिंग कितना है. ओपनिंग है 4,000, इंट्रोड्यूस्ड है 16,000, तो टोटल 20,000. इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कंप्लीटेड 14,000, WIP जो क्लोजिंग बची दैट इज 6,000, उसके ऊपर मटेरियल 100% लग चुका है लेकिन जो लेबर और ओवरहेड्स हैं, जो कन्वर्जन कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज 1/3. तो 1/3 इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए आपके पास. ठीक, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल इज 20,000, फॉर लेबर इज 16,000 एंड फॉर ओवरहेड्स इज 16,000. अब कॉस्ट, हर एलिमेंट की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है आपको 6 लाख 1 लाख 1 लाख. ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, ड्यूरिंग द पीरियड, सॉरी नॉट ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फेब्रवरी 25 लाख 60 15 लाख एंड 15 लाख. ये सब कहाँ से आया? ये इसने, ये वाला पीरियड जो है ये ओपनिंग का था और ये ड्यूरिंग द मंथ. टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया किससे? इक्विवेलेंट यूनिट से, जो यहां से कैलकुलेट किया आप लोगों ने. तो आपके पास क्या आ गई? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट. ठीक, तो इससे हमारे दो पार्ट्स कवर हो गए. कौन कौन से? ये भी बन गया, ये भी बन गया. अब वो कहता है अपोर्शनमेंट करो बिटवीन एफजी एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी. तो एफजी, वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर्ड, 14,000 यूनिट्स इनटू 358 कैसे आया? यहां से आया. टोटल कॉस्ट, कंप्लीट कॉस्ट एक यूनिट को बनाने की 358. क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल के कितने यूनिट्स थे? 20,000 इंटू कॉस्ट 158, लेबर का 16,000 इंटू 100, ओवरहेड्स का 16,000 इंटू 100, सॉरी 2,000 यूनिट्स, सॉरी. क्लोजिंग WIP की बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ यहां से, ये वाला पार्ट. ठीक है, मटेरियल के ऊपर पूरा और लेबर और ओवरहेड्स के ऊपर 2,000. क्लियर? 6,000 इंटू 158, 2,000 इंटू 100,
टोटल कॉस्ट आ गई। प्रोसेस ए अकाउंट बनाना है बहुत ही सिंपल है, ओपनिंग WIP दे रखा है 4000 यूनिट्स, 8 लाख उसकी कॉस्ट भी दे रखी है। सर कॉस्ट कहाँ से आई, ये आई कॉस्ट 8 लाख रुपीस ओपनिंग WIP की। फिर इस पीरियड में मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, ओवरहेड्स कितने लगे, ये भी दे रखा है। कंप्लीटेड यूनिट्स भी दे रखे हैं, उसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। क्लोजिंग WIP 6000 यूनिट्स दे रखे हैं, उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल ली। तो प्रोसेस ए अकाउंट भी बन गया हम लोगों का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन में बिल्कुल। अगर बेसिक्स क्लियर हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए फॉर द प्रोसेस कॉस्टिंग, राइट। तो हमारा इसके साथ थर्ड पार्ट भी हो गया और फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या टेकअप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब टेकअप करेंगे सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग फॉर सबसे पहले हम लोग टेकअप करेंगे नवंबर 19 अटेम्प्ट और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे मई 19 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।